आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले सालों में आलू के किसानों की कितनी समस्या हुई थी। जब कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा आलू की कीमत से बढ़ गया था, कई ऐसे किसान थे जिन्होंने आलू सड़क पे गिरा दिए थे क्योंकि कीमत नहीं मिल रही थी। तब से आज तक क्या परिवर्तन आया है? जिस सरकार ने आपको तमाम वादे किए थे कि आपकी आमदनी दुगनी होगी, आपको बकाया मिलेगा गन्ना का, उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं कि गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए है। आज पूरे देश भर का बकाया है ये। इसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाए की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। ये उनकी नियत है, समझ लीजिए। गन्ने के दाम वही के वही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, आज बिजली के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर से लूट हो रही है, रसोई गैस की कीमत बढ़ती चली जा रही है, डीएपी के दाम बढ़ गए हैं, ओलावृष्टि हुई। आपको क्या मुआवजा मिला? बताइए, मुआवजा मिला? ओलावृष्टि हुई, तमाम आपके आपकी जो उपज है खराब हुई, आपको मुआवजा नहीं मिला। धान, बाजरा और गेहूं के सही दाम आपको नहीं मिलते।